हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली सब बढ़िया होंगे मेरे भाई। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 9:40 और आज है संडे। तो भाई सेम कुछ ऐसा ना हुआ अपना वर्कआउट और ना हुई अपनी डाइट। तो भाई सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो अपने विशाल भाई का फोन आया है, विशाल यादव बमेटा से, गांव किसान। तो भाई इन भाइयों का फोन आया है कि इनके रिश्तेदार वगैरह जो भी है वो इलेक्शन में खड़े हैं, तो आना है। मैंने कहा ठीक है भाई, आ रहे हैं। तो भाई अभी हम रास्ते में, तो विशाल भाई के पास चलते हैं सीधे यहाँ से। पर भाई इलेक्शन का झंझट बहुत बुरा है, भगवान कसम बहुत ही ज़्यादा। खैर कोई दिक्कत नहीं है, है तो अपना भाई, तो जाना पड़ेगा ही। तो अभी चलते हैं सीधे यहाँ से गाज़ियाबाद और वर्कआउट शायद कोशिश करूँगा शाम को करने की, क्योंकि मेरा एक पार्ट का वर्कआउट रह गया था। विक्की भाई की शादी में गया था, उस टाइम पर भी एक दिन छुट्टी हो गई थी। आज संडे है, फिर एक दिन की छुट्टी होगी। तो भाई तुम्हें तो पता ही है, एक गाड़ी से और एक वर्कआउट से मुझे बहुत ही प्यार है। तो इसलिए गाइस वर्कआउट का सोचते हैं, शाम का कुछ प्लान बनाते हैं। अगर हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख जाए, कल डबल डबल कर लूँगा। कल वैसे ही मंडे है तो डबल करेंगे कल। तो गाइस सीधे चलते हैं यहाँ से गाज़ियाबाद अपने सवारी के साथ। हमारा सपोर्ट है पूरा। विशाल भाई ने नई गाड़ी ली है, दावत इसकी, दावत भाई की नंबर का आएगा 2-6-4-5-4-5-6 ले लेते दावत। अब दावत कब दाओगे ना बताओ? दावत जब तुम कहोगे जब ले लेंगे। कल स्टारबक्स अभी दावत देके चलेंगे। ना ना कल चलेंगे, कल स्टार, कल परसों चलेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। जाना गाइस, देख लो इसकी बात को, रिकॉर्ड कर लो। बमेटे काम कर लो भाई, जो बमेटे काम से व्लॉग देख रहे हैं या के लाभ रिपोर्ट कर दियो। करना करे तो ना भाई, कल सुनाता हूं भाई। ऐसे तेज जो होगी गर्मी में तुम्हारी कसम बहुत बुरा हाल हो गया गर्मी में भाई। अब भाई पहले अपनी गाड़ी में बैठ जाऊं। ओ भाई गए प्राण। भाई साहब इसलिए कहता हूँ पॉलिटिक्स सबसे गंदी है गाइस, तो मेरा मानना है, क्योंकि भाई ये रेली वेली का सिस्टम अपने बस की नहीं है भाई। तो गाइस अपना एक काम हो चुका ख़त्म, और सेकंड थी आज हम जिम नहीं गए थे, आज जिम जाएंगे शायद हम शाम को। और अभी चलते हैं सीधे यहाँ से घर, क्योंकि मुझे नहाना है। मैं नहाया भी नहीं यार अब तक भाई, और टाइम हो रहा है 11:35। तो घर जाके नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद अपने सागर भाई आएंगे, क्योंकि अपने सन्नी भाई जो है, अपने सन्नी यादव पोपल, आप जानते हो भाई को, उनकी दादी जी एक्सपायर होगी, तो होता है ना बरसी वरसी होती है मेरी ख्याल से कुछ, तो छोटा प्रोग्राम हुआ एक, तो भाई के साथ वहाँ जाना है। उसके बाद शायद कुछ प्लान होगा तो बताऊँगा। अभी चलते हैं यहाँ से घर सीधा भाई गाज़ियाबाद से, पर रास्ते में जाम ना मिल जाए यार बस। अरे रुक जा हेलमेट, एक बात बताओ, सही सी बताना, बिल्कुल जेन्युइन वाली बात, ठीक है। एक बार ये बताओ, मैं ब्लैक कपड़े पहना करूं या फिर वाइट? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बोलते हैं कि वाइट में थोड़ा बढ़िया लगता है, फिर कोई बोलता है कि भाई ब्लैक में भी बढ़िया लगता है। एक बार अपने तरीके से बताओ कि कौन से मुझे कलर की शर्ट या टी शर्ट ज़्यादा लेनी चाहिए। अभी मेरे पास ना ऑलमोस्ट जितने भी देख जाए ब्लैक ब्लैक है, सब कुछ ब्लैक है। बहुत रेयर मिलती है, मेरे पास एक या दो शर्ट मिल जाती हैं वाइट में, या वैसे नहीं तो ऑलमोस्ट ब्लैक ही है भाई सब कुछ। तो ये तो होगी कपड़ों की बात। बाकी भाई एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगा मैं अभी आप लोगों से, वो छोटी चीज़ शेयर ये है, सॉरी एक कॉल आ गया था। तो भाई हाँ, एक छोटी चीज़ मैं शेयर ये करना चाहूँगा, मतलब ऐसा होता है, मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मतलब बहुत सारे लोग मैंने ये देखे हैं कि भाई एकदम से डिमोटिवेट हो जाना, मतलब ऐसा क्यों होता है यार। मतलब एक छोटी चीज़ आप खुद सोच के देखो, एकदम से कोई स्टार नहीं बनता, एकदम से किसी के व्यू नहीं आते, एकदम से कोई पॉपुलर नहीं होता हमारी। तो यार मेरा मानना तो यह है, स्ट्रगल होनी चाहिए लाइफ में। अगर तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है तो तुम्हें अपने सक्सेस का मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। मतलब जहाँ तुम अपने गोल पे पहुँच जाओगे ना, फिर तुम्हें लगेगा अबे यार लाइफ में कुछ स्ट्रगल ही नहीं था, तो साला हमें पहुँचने का फ़ायदा क्या। स्ट्रगल ज़रूरी है भाई लाइफ में, अगर लाइफ में स्ट्रगल नहीं होगा ना तो भाई मज़ा नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई
और स्ट्रगल को देख के तो इतने लोग परेशान है कि यार स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि छोड़ साला मरने दे बाहर में जाए, ठीक है। फिर ऊपर से जो तुम्हारे साथ के होते हैं, मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ भाई, एक टाइम ऐसा था जब मेरे साथ के जितने भी मेरे साथ रहते थे ना, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता था, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं करा भाई, ठीक है। फिर मैंने कहा यार चल कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कि आज ये लोग सपोर्ट नहीं कर रहे कल करेंगे, साला एक टाइम ऐसा आएगा जब ये लोग खुद मुझसे पूछेंगे कि भाई कैसे करा, क्या करा, क्यों करा तूने एकदम से इतना चेंज कैसे। तो भाई कोई साथ वाला सपोर्ट नहीं करेगा तुम्हें, बहुत रेयर बंदा होता है जो सपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो मेरे साथ का मैं बता दूँ, अब हाल फिलहाल में एक भाई अपना विकास, तुम जानते होगे विकास दुबे को, उस बंदे का मुझे इतना सपोर्ट है ना, और वो लड़का ऐसा नहीं है कि भाई किसी चीज़ से मैं जुड़ा हो, वो दिल से जुड़ा हुआ है मेरे छोटा भाई की तरह, बिल्कुल बढ़िया लड़का है, बहुत जेन्युइन लड़का है, आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्लोज मैं उसी से हूँ। तो यार एक बंदा आएगा तुम्हारे लाइफ में भी जो, हाँ भाई, जिसका पता है सबसे मेन चीज़ क्या होती है, जिसके साथ तुम हो अगर तुम्हारा और उसका गोल मोटिव सेम है तो मजा आए भाई, ठीक है। तब मतलब साथ रहने में मजा आता है और फिर लाइफ को जीने में मजा आता है। और भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं, अबे क्या वीडियो बना रहा है भाई, क्यों फोटो वोटो, क्या आया गड़म झगड़म, क्या व्लॉग, इन चीज़ों से ना फिर बड़ा डिमोटिवेशन होता है भाई, यार मैं कैसे बनाऊंगा, इस साथ मेरा व्लॉग नहीं हो पाया, मैं वहाँ गया था व्लॉग नहीं बन पाया, या वहाँ गया था वीडियो नहीं बन पाई। तो भाई डिमोटिवेट मत हो, अकेले निकलो, ठीक है। एक टाइम तक रहेगा यार लोग नहीं देख पा रहे, बट कुछ चीज़ें पकड़ो, कैच करो, सेल्फ रहना, अकेले रहने में भी ना अलग ही मजा है, सही बता रहा हूँ भाई, अकेले रहना सीख लिया ना अगर तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। तो भाई ऑल सेट ना दोगे, पहले बताओ टी शर्ट कैसी लग रही थी, कैसी लग रही टी शर्ट, नहीं लेकर सेक्सी लग रही ना। तो भाई अभी हम जा रहे हैं अपने सन्नी भाई के यहाँ, अपने सागर प्रधान भाई ऑन द वे खड़े हैं, और भाई अपने क्या कहते हैं विकास डॉन गांव के साथ, कैडी चीज गाइस आई एम बैक। तो भाई हमारे विकास भाई गुड न्यूज देंगे तुम्हें, एक कौन सी गुड न्यूज, जितनी मम्मी ने गेरी गाड़ी को ऐसी गाड़ी ली है बेटा जिसमें तू और तेरी बहू दोनों बैठ सके। तो वो तो पुराना हो गया ना, तो वो मैं ले भी ली। कौन सी गाड़ी ली थी मैंने, वो ली है अभी, मैं लैम्बोर्गिनी ले रहा था पर वो ना स्पीड ब्रेकर पे अड़ के टूट गई आगे से, ओ शिट। तो मैं वो लेने की सोच रहा हूँ फॉर्च्यूनर। हेलो देख गुड्डा समझ रहा गाड़ी ना, गुड्डा गुड़िया खेल हो तो भाई पैसा आना इसका बहुत ज्यादा, इतना पैसा कमा लिया ना इसमें जो लड़के ने यूट्यूब से, बस इतना ही तो अमीर बनना था, इससे ज्यादा नहीं बनना है। तो भाई देख लो भाई, मैं तुमसे भी कह रहा हूँ भाई यूट्यूब पे फोकस करो सारे भाई, जैसे इसकी मम्मी ने कही है ना अपनी बहू बैठाई है बेटा एक गाड़ी ऐसी ले गई, ऐसे तुम्हारी मम्मी कहे बेटा अपनी बहू बैठाई है साइड में और बस तू और नहीं कोई, एक पीछे गाड़ी बाउंस रन हुआ है बस, सिक्योरिटी के लिए पीछे गाड़ी तकड़ी सी ब्लैक जेड और तुम है ना, बाकी कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पैसा कमाओ पैसा भाई साहब, इतनी गर्मी हमने जिंदगी में नहीं देखी, इतनी गर्मी, गर्मी का एक मात्र ज्यादा भाई। हाँ पांच कर देना, पांच पांच पैक करना और खोलना मत, कि मैं तो वहीं रख के पीऊंगा फ्रिज में, तो खोलने दो ना, खोलो मत, मैं ऐसे रहने दो भाई, बहुत गर्मी है ना, पानी वाले चाहिए बढ़िया वाले। तो गाइस नारियल पानी इज द बेस्ट, क्या कहते हैं उसको, बेस्ट सोर्स गर्मी को बचाने के लिए, नहीं गर्म हो रहा है ठंडे पीने। सो गाइस सुबह हम जिम नहीं आए थे और अभी हम आए हैं जिम अपने अभय प्रधान व्लॉग्स और कैडी चीज के साथ। तो भाई अभी जिम चलते हैं, वर्कआउट अपना शोल्डर का, सुबह वर्कआउट नहीं करा था हमने, नीचे खड़ी है अपनी गाड़ी। गाइस फाइनली अपना आ चुके हैं जिम और मेरा तो फर्स्ट टाइम है गोल्ड में, मेरे साथ रहे ना ऐसे फर्स्ट टाइम, तो तुझे बहुत चीजें होती है, मेरा फर्स्ट है, मेरा फर्स्ट है, अरे गोल्ड में ना, गोल्ड में मैं उसमें जाता हूं एनी टाइम में, इसलिए सलाम नहीं लेते रे। गाइस ये लोअर देख रहे हो किसका है, मेरा, ये मेरी जीन्स पहन के आए थे भैया, तो मैंने कहा यार मेरा लोअर दे दो। बाकी कौन सा वर्कआउट करेंगे आज, शोल्डर, आज मैं शोल्डर वर्कआउट करवा देना मेरे, बाकी मैंने फर्स्ट टाइम प्री वर्कआउट लिया है अब देखो। हाँ अरे वैसे वाला नहीं लिया ना, उतना चीटी चलाने वाला, अब आप कह रहे हो चीटी चलेगी, ऐसे प्री वर्कआउट भी आ दिया, ऐसे भी आ दिया जिस। तो भाई अभी देख रहे कितनी देर में लगेगी, 5 मिनट है जो वर्कआउट के बीच में, 2 मिनट पेट है जब पीछे तो भाई क्या है। लो गाइस अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे लगेगा मेरे को, देखो गाइस मैं प्रमोट नहीं कर रहा,
प्रमोट तो नहीं कर रहा मैं, पर ये है बहुत गंदा प्री वर्कआउट, बहुत टेस्ट बढ़िया था, बहुत मिक्स है ना। हां हां, मैं तो प्री वर्कआउट लेना लीजिए। क्योंकि भाई नॉर्मल स्ट्रेंथ है अभी, तो नॉर्मल स्ट्रेंथ प्री वर्कआउट बहुत चीजें कम करेगा हमारी बॉडी। अच्छा, पर हम मैं तो ये रहो कभी अभी सुबह वो सब छोटा साइज तो मेरा ही है। मेरा कटिंग वाला है। आ जाओ भाई, चल रहा अपना शोल्डर का वर्कआउट, भाई बहुत दर्द हो रहा है। बाकी इधर भैया करो करो। गाइस ऐसे शोल्डर मेरे कब आएंगे भाई साहब। इधर अपने अबे भाई भी लग रहे हैं। चलो भाई, सो गाइस अपना हो चुका वर्कआउट खत्म। वर्कआउट खत्म होने के बाद ये आए जिम में ढोर डंगर, हट जा पहले मत आवे। तो गाइस अपना वर्कआउट हो चुका खत्म, और था अपना शोल्डर का वर्कआउट। हम सुबह वर्कआउट करने नहीं आए थे क्योंकि सुबह बहुत सारा काम था अपने को, और अभी चलते हैं सीधे यहाँ से डाइट लेने। कैसा लगा वर्कआउट करके? अरे यार मैंने प्री वर्कआउट किया था सागर, यार कुछ नहीं लग रही है यार। वाले में पीछे वाले में, हाँ यहाँ पे तो अब लग रही है। अब तो रात तक परेशान रहेगा। तुझे कैसा लगा वर्कआउट करके? मजा आया ना? जिम एंट्री करवा दे अपनी गोल्ड जिम में। तो अब तेरे छह महीने बाद खत्म होगी, तो फिर ऐसे पहले लो तीन महीना किस में लगाई लू अभी। देख रहा हूँ पैसे ज्यादा सागर भाई इस पे हैं? ये पढ़ता हूँ। तो तुम कहाँ हो? तुम कहाँ है? ये हुआ है, ये पूरा यहाँ। तो भाई चलो लेट्स गो। अभी मैं तुम्हें ऐसे टोयोटा की नहीं हूँ, टोयोटा की गाड़ी का ऐसे रिव्यू दूंगा, बहुत तगड़ी गाड़ी का। पर नंबर देखो 4004, गैस करो कौन सी गाड़ी है। ये है इनोवा। इसमें कितने रुपए लगा रखो? 1.5 लाख लगा है अभी, जस्ट अभी 1.5 लाख महीने पहले लगा है। अभी तो थोड़ी गंदी पड़ी है, कई दिन से। इंटीरियर बहुत प्यारा करवा रखा, मजाक छोड़ के जेड करवा रखे भाई। ले भाई, और ये करवा दियो भाई, ये करवा दियो। ये भी इस पर से तरह से सागर मेरठ ले गयो, तो गाड़ी में चूहे घुस गए, तो यहाँ मिठाई के डिब्बा रख दिया सागर ने। हाँ, उनका मिठाई के डिब्बे खुले ना, तो किससे में पूरी सीट काट दी भैया। चूहे का राग बहुत बुरा है। यूरोप वगैरह सब टॉप मॉडल वाले, पूरा यूरोप का करवाई तुमने भाई? टॉप करवाई है। अब यूरोप रूप आ रहा है यू? ना रूप ऐसे यार, नॉर्मल बिल्कुल। अच्छा, ना लाइट ना कुछ भाई। ले भाई तगड़ी करवा रहा है गाड़ी। फुटरे भी लगा रखी है। क्या लगा रखी है? फुटरे। फुटरे बहुत अच्छा भाई, नो डाउट गाड़ी बहुत तगड़ी करवा रखी है भाई ने। सेक्सी ये सीट कवर ना भाई, ता कस्टमाइज है ये। अच्छा रे, सीट कवर ऐसे हो तो ये नहीं कपड़ा को ऊपर चढ़ जाते। आइए हमने चढ़वाई सीट फटवा के उसी के ऊपर। फुटरे देखो कहाँ देखो, मेरे पीछे फुटरे क्या होती है भाई, हम भी देखेंगे फिर कहाँ है। अच्छा यू वाली, ये 26,000 रुपए की लगी है। अजी हाँ, सेट आता है दोनों। कितना पैसा? पर गाड़ी बहुत बड़ा शौक है भाई गाड़ियों में खर्च करने का। तो कुछ ऐसा है। अभी हम जा रहे हैं सेक्टर 18, और गाड़ी अपनी समझ जाओ किसकी है भाई। खेल गए हमारे साथ अनिकेत भाई। क्यों खेल गए भाई? हम तो लोअर टी शर्ट में पेंट वगैरह पहन के। फोन की बहुत जरूरत है, ठीक है, और फोन की जरूरत ये है, जिस फोन से मैं व्लॉग बना रहा हूँ इस फोन में अपना शूट चलता रहता है। विकास का भी फोन मांग लेता, तो भाई अपने पास कोई फोन नहीं रहता। हम उस टाइम गरीबे की क्या कहते हैं संख्या पा जाते हैं। यहाँ से ले बारिश हो रही है, तो अभी हम लेने जा रहे हैं गाइस फोल्ड 4, जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है बहुत ज्यादा। तो एक बार पहले कंडीशन चेक करते हैं फोन। अभी रिवील नहीं करना था। अरे रिवील यार, इनसे क्या छुपाना है, तो अपने फैमिली मेंबर है ना, तो चलो बाद में भी करना भाई। बंगाली मार्केट देख लो गाइस, हमारे गांव की मार्केट। मछली मार्केट लगा है भाई, आके मछली मिला है भाई। सरफा भाई अगर यू मार्केट हट जाना ना तेरी कसम, इतना चौड़ा रास्ता है, बहुत बढ़िया। दिन में कितना चौड़ा रहता है? हां भाई, अब देखियो निकलने में ऐसा लगा है क्यों आ गए। उनकी गुद्दी पे दे दूं गाड़ी में, होलो एक बम्पर उड़ाई चले जाओ। तो भाई चलते हैं सेक्टर 18। अभी का सीन हुआ आज बना हुआ भाई, आज का सीन बता रहा हूं। आज ऐसा सीन बन गया, मैं सो रहा हूं
ये मेरे साइड में, मतलब मैंने से कहा, मैंने कहा विकास भाई फोन वो कर दे, क्या कहते हैं, व्लॉग एडिट कर ले, व्लॉग अपलोड कर ले। मैंने कहा मैं सो रहा हूँ थोड़ी देर, कह रहा ठीक है भैया। अब इसने क्या करा, अनलिस्टेड की जगह सीधा अपलोड कर दिया शाम के 4 बजे। अरे भाई मैं नींद में था, नींद में था तू, ठीक है भाई। अब व्लॉग अपलोड हो गया, मैं सो गया, ये भी सो गया रख के भैया, अब तो अब हो गया अनलिस्टेड, हम दोनों सो ही पड़े भाई। उसके बाद अभय का फोन आया भाई, और उसका क्या कहते हैं टाइटल ले, वो टाइटल डीडी, टाइटल डीडी, डीडी रखा टाइटल। मैं फोन चला रहा हूं, ऊपर नोटिफिकेशन आया, अनिकेत यादव डीडी। मैंने कहा ओ भाई डीडी तो भाई, मैंने की आज दिक्कत होगी भाई। फिर मैंने देखा, मैंने 297-298 व्यू आ चुके थे उस पर, मैंने कहा छोड़ यार, मैंने कहा फिर इसको प्राइवेट करते हैं। फिर मैंने जल्दी जल्दी प्राइवेट करा, उसके बाद सोए फिर दोबारा। यहां का व्यू दिखा दो एक बार, ये फार्म हाउस खुला है, शादी हो रही है हमारा, थोड़ी हमने दिखा भाई फार्म हाउस हमारा था, मैं तो प्रमोशन, नो प्रमोशन, अपना फार्म हाउस दिखाऊंगा सिर्फ भाई। तो गाइस फोन लेने गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमें फोन मिला नहीं, फोन मिला था बट उसकी कंडीशन थोड़ी बिगाड़ दिया ना, तो थोड़ा अब मैं सोच रहा हूँ अगर 1,00,000 रुपये हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो चीज़ हमें बाद में दिक्कत दे तो फिर उसका फायदा नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई इससे अच्छा थोड़ा सा रुक जाते हैं, या फिर अभी मुझे विकास ने ज्ञान दिया है बहुत तगड़ा, ये कह रहा है मुझसे क्या कहते हैं कि भैया फोल्ड की जगह एक 13 Pro Max या फिर 14 Pro ले लो, उसमें भी आपका फायदा है, क्योंकि फोल्ड सिर्फ दिखावटी है, कुछ टाइम बाद वो लैग करने लगेगा, फिर उसमें बड़ी दिक्कत है ना। वैसे मुझे चाहिए तो वही फोन वोन उठाने के लिए, बट पर कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन का वेट करते हैं। बाकी सागर भाई से बात हुई है मेरी, सागर ये कह रहा है कि 2-4 दिन रुक जा, मैं कहीं ना कहीं जुगाड़ करवा के बढ़िया मंगवा दूँ, तुम्हें पता ही सागर जुगाड़ी है भाई। देखो मेन इशू बताया उसमें क्या है, अगर आप फोल्ड लोगे वो पड़ जाता है एंड्रॉइड और आईफोन, ठीक है। तो अभी जैसे कभी हमको क्या बोलते हैं कैपकट में या फिर वीएन में वीडियो एडिट करनी है, व्लॉग एडिट करना है, तो उसमें शेयर नहीं कर पाएंगे हम, अगर आईफोन रहेगा तो एयर ड्रॉप करके कर सकते हैं, यही बात है। फिर वो हमको थोड़ा कम रेट में मिल रहा है आईफोन, और रेट की तो कोई दिक्कत ही ना, रेट की दिक्कत ना, बस यार जो अपने यूज के लिए उसे लो, पर मेन यूज अपना आईफोन का ही है दादा। देखो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन में अपना फोन ले आएंगे बढ़िया सा, और उसके बाद भाई एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ, आज मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इनोवा चलाई, भगवान के साथ, मतलब ऐसा फील आ रहा है जैसे मैं बताऊँ, मतलब भारी भरकम कुछ चीज चला रहे हो ऐसा लग रहा है, बता रहा हूँ। इनोवा नहीं चलाई आज, पहली बार चला रहा हूँ भाई, पर बाकी गाड़ी बिल्कुल जेन्युइन है भाई, ओके रिपोर्ट है गाड़ी की, तो कंफर्टेबल है ना, ये फैमिली के लिए है गाड़ी, देखे जाए तो फैमिली पे बढ़िया चलती है गाड़ी, बाकी यार दोस्तों अगर घूमने जाओ तब भी बढ़िया है गाड़ी, ये लॉन्ग टूर के लिए, लॉन्ग टूर के लिए स्पेस भी बढ़िया है, कम्फर्ट आता है। और फेमस होते ही ना, जब मैं अपने वो ट्रिप व्रिप मारे करूंगा तो एक इनोवा निकाल लूंगा, यही है कोई दिक्कत ना। बाकी भाई अभी चलते हैं सीधा से घर।